अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मिनी हाइड्रोलिक मशीन। जैसा कि आप लोग को पता होगा, एक छोटी हाइड्रोलिक मशीन आती है जो कि गाड़ियों के टायर वगैरह चेंज करने में काम आती है। गाड़ियों को टायर वगैरह पंचर हो जाते हैं तो हम उसकी मदद से गाड़ी को उठाकर उसके टायर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आज बनाने वाले हैं मिनी हाइड्रोलिक मशीन, जो कि बहुत ही आसान सी और इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। प्लीज़ हमारे को सपोर्ट दीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस आपने इंट्रो देख लिया और लाइक सब्सक्राइब कर लिया ना, तो चलो अब आपको दिखाता हूँ मैं अपनी हाइड्रोलिक मशीन जो कि रियल वाली है उसकी तरह हम बनाने वाले हैं। ये रही हमारी मशीन। तो गाइस ये है हमारी हाइड्रोलिक मशीन, हमें आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये बॉक्स ही कुछ इस तरीके से खुल जाता है और गाइस ये है हमारी न्यू चमचमाती हुई हाइड्रोलिक मशीन। बहुत भारी होती है ये मशीन, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ और थोड़े बहुत असेंबल करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है इसका हैंडल जो कि इधर लग जाता है, मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से लग जाता है ताकि हमारे को उठाने में आसानी हो, देख सकते हैं आप। अब गाइस ये है इसका रोड जिसकी मदद से हम गाड़ी को उठाने में काम आती है। तो गाइस इसको हम चला भी सकते हैं, इसके नीचे टायर्स भी लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं। अब हम गाइस इसको लगाने वाले हैं इधर, ये कुछ इस तरीके से लग जाता है आप देख सकते हैं। और अब हम इसको चलाएंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हम करते जाएंगे और यहाँ पे जो गाड़ी का पहिया होगा वो उठता जाएगा। तो गाइस ये है इसका फुल शाफ्ट, जितना इसको खुलना था वो खुल चुकी है। अब आप देख सकते हैं इतनी ऊंची हम गाड़ी को उठा सकते हैं। अब इसकी मदद से इसको अब आपको बिठा कर भी दिखा देता हूँ। इसको करेंगे इस जगह से डाउन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह से डाउन कर देंगे। ये अब अपनी न्यू हालत में आ चुका है, जैसा था उस स्टाइल में ये वापसी हो चुका है। गाइस अब हम इस जैसे रियल मशीन तो नहीं बना सकते, अगर आप चाहें तो हम बना भी सकते हैं अगर आप हमें सपोर्ट दिखाएं, लेकिन अभी हम जो बनाने वाले हैं वो इससे डिफरेंट है, मगर मैकेनिज्म यही वाला इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलें। तो गाइस ये है हमारे कुछ आ चुके एक्सपेरिमेंट की इक्विपमेंट, जिसमें है हमारे पास दो अदद इंजेक्शन और एक अदद टू फीट क्या कहते हैं हमारे पास आ गया प्लास्टिक का पाइप, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी मदद से बनाना शुरू करते हैं।
गाइस ये हमारी मशीन तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। इसे टेस्ट करने से पहले आपको मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो ये गाइस ये इस तरीके से हम इसको खींचेंगे तो ये दूसरी तरफ से नीचे आएगा यहाँ यूँ करके। तो अब हम आपको सिखाता हूँ, ये देखें गाइस इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम इसे इसके मदद से भारी भारी चीज़ें हिला के चेक करते हैं। अगर हम कोई चीज़ हिलानी है तो हम इसके यहाँ इसको उसके आगे रखेंगे और इसको जो दबाएंगे तो वो चीज़ आगे लग जाएगी। इसकी मदद से हम भारी भारी चीज़ें हिला सकते हैं। तो अब हम टेस्ट करके चेक करते हैं कि इसकी मदद से हम कितनी भारी चीज़ों को हिला सकते हैं। अब हम पहले इस छोटी सी बोतल को हिला कर चेक करेंगे इसकी मदद से ये हिला सकता है कि नहीं। तो चलो हिला के चेक करते हैं। कि हाइड्रोलिक मशीन के ज़रिए हम इस छोटी सी बोतल को हिलाकर चेक करते हैं। इसको कुछ इस तरीके से हम इसके आगे रख देंगे और इसको हिला के चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने हिला दिया यहाँ से। अब इसी तरीके से हम दोबारा इसको चेक करते हैं एक और तरीके से। आप देख सकते हैं इसको हमने हिला दिया इसकी मदद से। अब हम इसकी मदद से और भी चीज़ें हिला सकते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस अब ये चैलेंज बहुत ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि हम इसमें ये कांच का जो गिलास है इसको हम यहाँ से फेंकेंगे और इसको यहाँ पे गिराएंगे, देख सकते हैं आप। और अब चेक करते हैं ये हमारा कांच का गिलास ये हाइड्रोलिक मशीन गिरा सकती है या नहीं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको एक हाइड्रोलिक मशीन बनाने सिखाई और उसे परफॉर्म करके उससे भारी भारी चीज़ों को हिलाकर दिखाया। तो आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फ्री का बटन है।
तो जल्दी जाएं और दबाएं और ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।